नमस्कार, आंखों देखे में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया पूर्व के डगरवा प्रखंड मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं इस वक्त डगरवा प्रखंड मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर पश्चिम और रोड से दक्षिण दिशा में। यहाँ एक विवादित मामला आ रहा है कि यहाँ तनवीर और उनके पिताजी का कहना है कि ये ज़मीन हमारी पुरानी है और पुश्तैनी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे लॉकडाउन के मौके पर यहाँ दीवार घेर लिया है। घेरा गया है लॉकडाउन में और गेट लगाई गई, लेकिन जब तनवीर और इनके परिजन लोग यहाँ मौजूद हैं, जब ये लोग देखे कि यहाँ इस तरह की बात है कि यहाँ लोग लॉकडाउन का मौका का फ़ायदा उठाकर कुछ ब्रोकर ने घेर लिए, तो यहाँ ये लोग फिर रहने लगे और लगभग साल भर से ये लोग इसी में रह रहे थे। फिर पुलिस या कानूनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर ताला मारकर सील कर दी गई है। सील यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ताला को सील कर दी गई है और यहाँ 144 लागू है। अब सवाल ये उठता है कि ज़मीन जिनका होगा उनके पास ठोस कागज़ होंगे, उनके पास सबूत होंगे, लेकिन यहाँ जब हम ढूंढ रहे हैं या थाना अध्यक्ष से भी पूछ रहे हैं तो यहाँ कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। थाना प्रभारी इतना ही बता रहे हैं कि शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए हमने ताला मार दिए हैं, बाकी सारे लोगों को रोड पर निकाल करके छोड़ दिए हैं। ये शांति व्यवस्था का तरीका है थाना बाबू का कि यहाँ सारे लोगों को रोड पर छोड़ दिए हैं कि तुम लोग रोड पर रहो और ज़मीन वाले हैं तो भाई तुम जाओ कागज लाओ। अब इनका कहना है कागज़ तो हमने दिए थे, ये इनके सारे कागज़ हमारे चैनल में भी दी गई है और सारे कागज़ सारे अफसर के पास दिए गए हैं। पर यहाँ कुछ समय से लगभग एक महीने से यहाँ एक से दो सिपाही बैठा दी गई है, तैनात कर दी गई है। तो सवाल उठता है कि यहाँ सिपाही तो तैनात कर दी गई है पर सिपाही के पास आदेश पत्र क्या है? जब इससे पहले हम आकर के उनसे आदेश पत्र पूछे तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा बाबू बताएं और एक साधा पुर्जा पर एक लिखा हुआ दिखा रहे हैं कि मैं इतने दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ, जिस पर साइन मोहर कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि इसे थाना से या किस विभाग से भेजा गया। अब यहाँ इतने सारे इनके परिजन के लोग बता रहे हैं कि सारे लोग रोड पर रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं। अगर ऐसी शांति व्यवस्था बनानी है हमारे थाना प्रभारी को तो ये हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है और चिंता का विषय ये है कि क्या यही शांति व्यवस्था है कि आप इनके पुश्तैनी से ज़मीन से आप गरीबों को निकाल कर सड़क पर ला दें और जिन भूमाफियाओं का नज़र पड़ा है उनके लिए आप इसे सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि उन भूमाफियाओं के पास कोई कागज़ नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। और हम कागज़ के लिए ही परेशान थे और हम थाना भी गए कई जगह के कि जिन लोगों को आप ज़मीन देना चाह रहे हैं या जिन लोग विवाद कर रहे हैं उनके तरफ से कौन सा कागज़ है, कौन सा दस्तावेज है, जो अब तक हमें नहीं मिला। हमें अगर मिला है तो तनवीर की तरफ से मिला है और जब्बार की तरफ से मिला है, जो यहाँ पहले थे जिन्हें यहाँ से निकाला गया है। जो तनवीर यहाँ आज मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इनके बाल बच्चे सारे लोग आज फुटपाथ पर रह रहे हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से ये लोग रह रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं कि इसी में प्लास्टिक टांग करके तिरपाल टांग करके यहीं सोते हैं। दिन में गर्मी जब होता है तो पेड़ छाँव में जा करके बैठे रहते हैं, बस यहीं पर खाना पीना बनाते हैं और यही सब राख रखी हुई है इनका। हंडिया बर्तन भर दिन बोरा में भर के रख देते हैं फिर रात में खाना बनाते हैं, इस प्रकार से ये गुजारा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है क्या गरीबों के लिए सिंपैथी नहीं है, क्या गरीबों के लिए आत्मा झकझोर नहीं करता है कि भूमाफिया अगर इनके ज़मीन को हड़प कर ले तो सीधे संपूर्ण रूप से खाली करके इनको निकाल दिया जाए? तो ये बेरुखी कहाँ तक उचित है? और जो असामाजिक तत्वों का नाम लिया जा रहा है, जो ब्रोकर्स इसमें लगे हैं, जो दलाल और भूमाफिया जो लगे हुए हैं गरीबों के ज़मीन पर, क्या वो प्रमाण दे पाएंगे कि ये उनकी ज़मीन है? अगर प्रमाण नहीं देते हैं तो आज जो ये गरीब सड़क पर आ रहे हैं इसका सजा कौन भुगतेगा? ब्यूरो रिपोर्ट ठाकुर। निजी ज़मीन पर इस वक्त पुलिस जो ज़बरदस्ती राह जमीन करके ताला मारा, हम लोग को पकड़ के जेल ढुका दिया ज़बरदस्ती बगैर नोटिस का। ये कब से चल रहा है? ये करीब करीब 4 महीना से चल रहा है। अभी आपके विपक्ष में कौन लोग दावेदार हैं? कोई दावेदार नहीं, सब एक पक्ष है। कौन है जो आपका ज़मीन हड़पना चाहता है? मरगूब। मरगूब है, और कौन? मरगूब है, रियाज है, मैंने आपका क्या नाम? नसीम है, हमारा नाम जब्बार हुआ। जब्बार हुआ, पिछले दिनों आपको किसी कारण से यहाँ से पकड़ के भी ले जाया गया? हाँ, पकड़ के। किस कारण से? ये घर में क्यों रहते हैं ये बोल पुलिस बोला। इसमें मामला है आप लोगों का? सर रविवार का दिन था, खाना वाना बना लिए थे, 3 बजे करीब में हम बैठ के थे वहाँ पर, 3 गाड़ी फोर्स आया थाना से, ढूक के अंदर ढूक के पोल वोल अलगा के फेंक दिया। हम रोकने लगे तो हम ही को धक्का धुक्का दिया, घर से बाहर करके अंदर फेंक दिया। मेरा पति गया अंदर, उसको भी धक्का का मार के मेरा ससुर को मेरा पति को अंदर डाल दिया।
जमीन का विवाद में कि झगड़ा हुआ, दांत तोड़ दिया, मुंह खुला दिया, ये सब करने के विवाद में जेल भेज दिया बिना नोटिस। मारपीट किए थे? मारपीट नहीं किए थे, मारपीट कुछ नहीं हुआ था और जेल भेजवा दिया। जेल भेजवा दिया, पता भी नहीं था कि मारपीट हुआ है। कौन लोग है जो आपके जमीन के पीछे पड़ा हुआ है? मेरा जमीन का पीछे पड़ा हुआ है मोसिम अकरम पड़ा हुआ है और ये मरगू पड़ा हुआ है। ये लोग क्या करता है? नसीम, ये लोग कहता है कि हम लोग जमीन बेचे हैं। ये लोग करता क्या है? बरोकर लोग कहता है। ये लोग बरोकर जमीन बेचे हैं, मतलब ये जमीन जो है मेरा किससे खरीदा है? किससे खरीदा? उन लोग खरीदा है इससे, मंजूर से और इससे शमसुल से। तो सही में खरीदा है या झूठ बता रहा है? झूठ, झूठ हो क्या? पास कागजियां नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। आपके पास टोटल? मेरा पास सबूत है टोटल। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? नुरसाना बे। अच्छा, आपका जमीन का लड़ाई कितना दिन से चल रहा है? चल रहा है यही एक साल से। रखिए, एक साल से? एक साल से। ये दीवार कब घेराई हुआ है? लॉकडाउन। लॉकडाउन में कब घेरा? कैसे लॉकडाउन में मना करते हुए रहे गया, वो घिसते गया। महीना दिन में ये काम को निकाल, रात दिन कर, महीना दिन बंद करिए। अभी कब से बंद पड़ा हुआ है? बंद पड़ा महीना हो गया लगभग, महीना। बंद से पहले इसमें आप लोग रहते थे? रहते हैं, घर है, सब चीज है, चूल्हा है, चौका है, खाना वाना भी अंदर में है, माल जाल हर चीज। तो आपका यहाँ का कागज का तैयारी चल रहा है? यहाँ का कागज का तैयारी चल रहा है। केस चल रहा है? हाँ, केस चल रहा है। आठ फोटो केस कर दिया, झूठो फूटो फूटो का केस कर दिया है। थाना गया तो मेरा कोई सुनवाई ये नहीं किया, बोला कि ये लोग लड़िया है। आप यहाँ का पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? पुलिस प्रशासन से गए थाना तो बोलने लगा कि आप लोग अपील लोग फ्रॉड है, अपील के पास कुछ भी नहीं है, खतियान को नहीं मानते हैं, हम सबका बाप है। अच्छा, यहाँ जो कुछ सिपाही गश्ती सिपाही पुलिस को बैठाया गया था, आप उससे कभी पूछे कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, आपके पास कौन सा कागज है, किस आधार पर बैठे हैं? आप लोग कभी कुछ पूछे हैं? क्या बताया? पूछे तो बोलने लगा कि जो करेगा बड़े बाबू करेगा, थाना प्रोवाइड करे। हम लोग को बोलता है बैठने के लिए, बोलते हैं हम लोग ड्यूटी पुराते हैं, हमको क्या मतलब है उस सबको। चलिए रुखसाना खातून बताएं जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये डगरवा थाना और ब्लॉक दोनों घुसखोर है, किसी का जमीन रहते पे तो हड़प कर देता है कि तुम्हारा जमीन नहीं है, दूसरे का है, ब्रोकर खरीद लिया हो जमीन को, फिर वो ब्रोकर बेच दिया दूसरे का पास। और जब मेरा कागज पत्र पूरा ओके हो गया, घर पे रहने लगे, अपना घर बांध के, एगो झोपड़ी बांध के अपना जमीन पर, अब पुलिस ने वो केस कर दिया, वो ये क्या नाम है उसका, नसीम, हम लोग का ऊपर कि हमारा जमीन है। तो हम लोग भी दावा किए हैं कि तू अपना कागज दिखाओ, हम अपना कागज दिखाएंगे, फिर भी अपना कागज वो नहीं दिखा पाया कोर्ट में भी, जहाँ हमारा चाचा का जमानत हुआ कोर्ट में, जबार चाचा का तंबिर का, वहाँ से वही कागज पे हम लोग का बेल दिया। यहाँ हम लोग का जो ताला मार दिया है, ये बड़ा बाबू का आदेश पर ये यहाँ पे चौकीदार रहता है, तो चौकीदार को पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये बड़ा बाबू जब हम लोग को आदेश दिया है, इसीलिए हम यहाँ बैठ के निभा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद मसीबुल हुआ। मसीबुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं ढगुरवा का बसिंदा हूँ। हम जब क्या कहता है सर, क्या कहता मालूम हुआ कि पुलिस आया है। हाँ, पुलिस को जब पूछे सर कि यहाँ जो आए सर, क्या सबूत पड़ा है सर, तो पुलिस वाला बोलने लगा कि भोसरी वाला को पकड़ो, मारो मादर चौथ को, क्या कहता वहाँ भीतर लेके चलो। तो पकड़ के जोर जबरदस्ती करके मेरा बाप को भी घिसिया के लेके चले गया, और क्या कहता दोनों बाप बेटा को वहाँ, क्या कहता मेरा कोई भी कागज, क्या कहता कोई भी चीज़ नहीं देखा सब। और पुलिस वाले को सबूत भी मांगा, किस आधार पर आप यहाँ मेरे भीतर बंडोरी के भीतर घुस के, मतलब कोई भी सबूत नहीं दिया पुलिस वाला, मेरा कोई भी सबूत नहीं देखा वो पुलिस वाला। नहीं देखने के कारण सारा एकदम सब को पकड़ के एकदम जोर जबरदस्ती पकड़ के थाना डाला। थाना में बोलने लगा कि तुम्हारा चमड़ी उतारेंगे भोसरी वाला, तुम क्या तुम समझते हो, तुम किस मामले को लेकर के ये पकड़ के ले गया? ये जमीन के मामले में, दफा 44 के मामले में। और क्या कहते सर, जब थाना जब लेके गया सर जेल, तो पूछे कि सर किस आधार पर लाए हैं, कौन चीज पर, तो बोला दांत तोड़ा, दांत तो कहीं भी नहीं टूटा है सर। क्या मारपीट भी हुआ है? नहीं सर, कहीं भी मारपीट नहीं हुआ। मारपीट नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर कहीं भी। और बोलता है कि यही लड़का क्या कहता है हनुमान बनने के लिए चाहता है, ये हनुमान को क्या कहता है जान मार दो, कहानी साफ हो जाएगा। ये सारा ब्रोकर, यहाँ ब्रोकर कौन कौन लोग है? ब्रोकर है क्या कहता मरघूप, महबूब,
एक पत्रकार क्या कहते हैं कमरूल है, वो पेपर पढ़ता है। अच्छा, वो भी दलाली में? हाँ, वो भी दलाली में। एक है आरिफ, आरिफ कहने लगा कि जल्दी चलान करो, टका देते हैं। मेंबर भी है सर, वो मेंबर भी है, प्रतिनिधि वो मेंबर भी है कमरूल। और वो क्या कहते हैं, ये ब्रोकर का काम करते हैं। और ये है मोहसिन मेडिकल वाला हरखैली का, एक मुजफ्फर थाना, वो थाना का क्या कहता अध्यक्ष भी हैं मुजफ्फर। और प्लस क्या कहते हैं जावेद अमीन है, वो भी है सर। आप अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? क्या कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम। यहाँ आपका जमीन कितना है? यहाँ मेरा जमीन है सर, क्या कहते हैं 2 acre 74 decibel। ये जमीन किनका है पहले? ये जमीन क्या कहते हैं मेरा दादा के नाम से खतियान है सर। हाँ। फ्रेश जमीन है, कहीं कोई चीज का क्या कहते हैं। आपके पिताजी का नाम से फिर ट्रांसफर है? जी, लिब्रू जबार के नाम से भी ट्रांसफर है सर। जमीन जी, तो आपको अपने जमीन का कोई विवाद नहीं है? और कोई विवाद नहीं है सर, यहाँ कभी यहाँ झंझट झूला कुछ नहीं हुआ है सर। ये क्या कहता एगो क्या कहता ये बना के इन लोग चल रहा है कि यहाँ झंझट हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। अब हम लोग यहाँ तो वही क्या कहता बहुत गरीब तबके का आदमी है सर, क्या कहता कागज निकालते निकालते तबाह हो गए, कागज के तरह पतला हो गया सर दौड़ते दौड़ते। लेकिन कागज तो निकल गया ना? हाँ, कागज निकल गया सर, खतियान उतियान जब निकल गया सारा चीज। रहते ये बाउंड्री कैसे हुआ? ये बाउंड्री सर क्या कहता है, ये पैसा का बॉल पर ये सारा ब्रोकर का, ये सारा ब्रोकर जितना भी है, ये वीडियो और ये थाना, ये ब्रोकर का बात पर ही चलते हैं सर। ये थाना, ये सारा ब्रोकर का ही क्या कहता बात पर चलते हैं। तनवीर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आंखों देखी।